रहीम अस्सलाम वालेकुम थ्री क्लास, आई एम योर साइंस टीचर। टुडे डेट इज़ 25 अगस्त 2020। अब इसमें आप लोगों का है डेट मिस्टेक है, आप लोगों की डायरी में वर्क मिस्टेक है सॉरी, जिसमें आप लोगों को मैं करवाऊंगी आज लेसन नंबर 13 की बुक एक्सरसाइज। 3 पेजेस पर है ये, तो आप लोग कोशिश कीजिएगा, इसको अच्छे से कीजिएगा। विद द पैसेज ऑफ टाइम जब आप स्कूल आएंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को ये हर एक चीज़ बहुत अच्छे से तैयार होगी, मेंटली तौर पर भी और वैसे भी आपको तैयार होगी। ठीक है, जैसे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आप लोगों को वो फर से आती होगी। अब देख लें इसमें, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोगों के है फिलिंग द ब्लैंक्स, नेक्स्ट पे हैं आप लोगों के करेक्ट आंसर, उसके बाद ये वाला क्वेश्चन, उसके बाद नेक्स्ट फिर पेज पर। ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा अच्छे से करें मेरे साथ साथ, पढ़ेंगे इसको। माउंटेन्स आर यूजली स्टीप स्लोपिंग साइड एंड शार्प एंड डैश, ये टेस्ट में भी मैंने दिया हुआ था, तो इस चीज़ को लाजमी देखा करें। यहाँ पर क्या आएगा, ऊपर अक्सर ये होता है पेपर में कि आप लोगों के ऊपर मीनिंग्स नहीं दिए होते, सॉरी मीनिंग नहीं, ये जो ऑप्शंस ही होती है ना, ये कभी कभी नहीं दी होती। तो आप लोगों ने क्या करना है, अपने माइंड का इस्तेमाल करते हुए, अपनी छठी हिस्को यूज़ करते हुए यहाँ पर करना है, तो यानी कि ट्रांसलेशन आपको आनी चाहिए हर सूरत में। वही बात आ गई जो पहले बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है जिस बात पर। यहाँ पर आएगा पीक, क्या आएगा पीक, पी ई ए के। इट टेक्स थाउजेंड ऑफ ईयर्स फॉर माउंटेन्स डैश टू फॉर्म, क्या क्या आएगा, रेंजेस, आर एन जी, यस। नंबर 3, ब्लॉक माउंटेन्स डैश इन टू द चंक्स, एंड चंक्स का मतलब क्या होता है, मोटे टुकड़े, एंड मूव अप और डाउन, यहाँ पर क्या आएगा, ब्रेक अप, क्या आएगा, ब्रेकअप। द डैश इन दिस केस नेवर इरप्ट्स ऑन द सरफेस, मैग्मा। प्लेट्यू माउंटेन्स, प्लेट्यू माउंटेन का मतलब सतह, मुर्तफा की पहाड़ियाँ। प्लेट्यू माउंटेन्स आर फॉर्म्ड बाय डैश रोशियन, ई आर ओ एस आई ओ एन। नेक्स्ट सीखेंगे, मार्क राइट द करेक्ट ऑप्शन। द अर्थ क्रस्ट इज मेड ऑफ, यहाँ पर भी डेट पुट कीजिएगा 25 अगस्त 2020। द अर्थ क्रस्ट इज मेड ऑफ डैश प्लेट्स, जाहिर बात है प्लेट से बनी हुई है अर्थ हमारी, सैंड्स रेत से तो नहीं बनी, रेत से बनी होती तो आज कुछ भी ना होता, सब बिखर जाता। द अपलिफ्टेड रॉक्स आर कॉल्ड ब्लॉक माउंटेन्स, टिक कीजिएगा साथ साथ ही मेरे, कर रहे हैं ना। फ्रोजन रॉक्स, जमी हुई चट्टाने पुश द अर्थ क्रस्ट फ्रॉम अंडरनेथ, जेरे ज़मीन धकेलती हैं। माउंटेन ओवर 200 मीटर, यहाँ पर 200 नहीं आना, यहाँ पर 600 आएगा बेटा, 600 मीटर्स हाई अबव सी लेवल आर कॉल्ड प्लेट्यू माउंटेन्स, वो पहाड़ियाँ या वो पहाड़ी सिलसिला जो सतह समंदर से 600 मीटर की बुलंदी पर है, वो क्या कहलाता है, सतह मुर्तफा की पहाड़ियों का सिलसिला कहलाता है। डोम माउंटेन्स तो गोल वाले पहाड़ वो नहीं होते। मोस्ट ऑफ द अर्थ फ्रेश वाटर, अब इसमें क्या आ रहा है, माउंटेन्स, हम ज़्यादातर पहाड़ों का ताज़ा पानी पहाड़ों से हासिल करते हैं, ज़्यादातर ज़मीन का ताज़ा पानी आएगा। अब यहाँ पर है राइट अ फ्यू सेंटेंसेस अबाउट माउंटेन्स, माउंटेन्स के बारे में आप कुछ सेंटेंस लिखें। अ माउंटेन इज, अ माउंटेन इज अ लार्ज लैंड फ्रॉम फॉर्म, सॉरी फ्रॉम फिर मैं बोल रही हूँ, आप लोग भी ये चीज़ ख्याल करना, यहाँ पर फ्रॉम नहीं आना, फॉर्म आएगा, एफ ओ आर एम, फॉर्म, लैंड फॉर्म। डैट राइजेज अबव, राइजेज उभरती द सराउंडिंग, सराउंडिंग लैंड, इर्द गिर्द की ज़मीन पर, इन अ लिमिटेड एरिया, मखसूस इलाका, दे आर मेड फ्रॉम रॉक्स एंड अर्थ। अ माउंटेन इज अ लार्ज लैंड फॉर्म डैट राइजेज अबव द सराउंडिंग लैंड इन अ लिमिटेड एरिया। अब यहाँ पर देखेंगे इसके एक्सरसाइज में इसके वर्ड्स मीनिंग आ रहे हैं, सॉरी क्वेश्चन आंसर आ रहे हैं, जो कि आपको नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बताए गए हैं। तो आप लोग अब देखेंगे, लेबल दिस पिक्चर, दिस पिक्चर्स यानी कि ये लेबल की हुई है डायग्राम, और इसके नीचे ब्लॉक छोड़े हुए हैं जो कि आप लोगों ने करने होंगे। पेपर में एक क्लाउड्स वाला चैप्टर है और एक ये वाला है, इसी तरह से ये आ सकता है और आता होता है बल्कि। यहाँ पर देखिएगा डायग्राम को, ये कौन से माउंटेन है, ब्लॉक माउंटेन्स, गोल वाले पहाड़ हैं, तो क्या आएगा, डोम माउंटेन्स, डी ओ एम ई, फर्स्ट लेटर कैपिटल, सतम उठ, तो बड़ी बड़ी पहाड़ कौन से हैं, प्लेट्यू माउंटेन्स।
केटू की चोटी भी ऐसी होती है। फोल्ड माउंटेन्स क्या कहलाएगा ये? फोल्ड माउंटेन्स, डन हो गया। ब्लॉक, डोम, प्लेट्यू, फोल्ड। अब ये आप लोगों का वर्क था 25 का वर्क। इंशाल्लाह आप लोगों के इसके बाद टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे, तो ऑल द बेस्ट।